हरे कृष्णा सभी को। मैं आ चुकी हूँ अपनी अगली रेसिपी लेकर, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ बैगन फ्राई, भजिया, पकौड़ा, कचरी, कुछ भी कह सकते हैं आप। यह गांव का एक ट्रेडिशनल डिश है जो मैं आप सबको बनाकर दिखाने जा रही हूँ। बैगन का हम पीछे का पार्ट हटा देंगे और आगे का थोड़ा सा इसको दो टुकड़ा कर देंगे और लंबाई में इसे हम पतला स्लाइस काट लेंगे। कुछ इस तरह इसमें मिलाएंगे हम दो चम्मच बेसन, एक चम्मच पिसा हुआ सारा मसाला है इसमें, सारा मसाला, अमचूर डाल देंगे आधा चम्मच, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार। इस सब को हमको पानी नहीं डालना है इसमें, इसे मिलाकर अच्छी तरह से थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती। इसको मिलाकर हम आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और डाल देंगे हम चटपटा होने के लिए। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेल। हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है बैगन को। बैगन में हम पानी नहीं डाले थे इसको मैरिनेट करने में, नमक के पानी से ही सारा बेसन और मसाला लिक्विड बनकर एक बिल्कुल अच्छा हो गया है। तो चारों तरफ बैगन के फिल हो चुका है। देखते हैं फ्राई हुआ कि नहीं। नीचे तरफ से बिल्कुल गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है बैगन। इस साइड भी हम मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। बैगन की कचरी फ्राई हो चुकी है दोनों तरफ से, इसे हम निकाल लेंगे। उसी तरह हम सारे बैगन कचरी को फ्राई कर लेंगे। बैगन फ्राई हो गया है, अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। कैसी लगी मेरे बैगन की कचरी
या बैंगन फ्राई भाजा की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें। फिर से मिलेंगे अगली रेसिपी में। बाय बाय।